नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ 22nd अक्टूबर टू 28th अक्टूबर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद अ ब्यूटीफुल थॉट, एंड द थॉट इज यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। And it is certain that your habits will change your future. अर्थात आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और ये तय है कि आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। With this, let's begin with our current affairs quiz. The very first question is, what was the theme for fourth edition of Niti lecture series held in New Delhi? And the theme for this is AI for all, that is artificial intelligence for all, leveraging artificial intelligence for inclusive growth. Full form of NITI, NITI is National Institution for Transforming India. Vice Chairman of NITI Aayog is Rajiv Kumar, and the CEO of NITI Aayog is Amitabh Kant. NITI Vyakhyan Srinkhala ki Delhi mein aayojit chauthe sanskaran ka vishay kya tha? Iska vishay tha सभी के लिए कृत्रिम बुद्धि, समावेशी विकास के लिए कृत्रिम बुद्धि का लाभ उठाना। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार जी और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक क्रूज? द नेम ऑफ दिस क्रूज इज अंग्रिया। इट विल ऑपरेट बिटवीन मुंबई and Goa. This Angria has been named after first Maratha Navy Admiral Kanhoji Angre and the Angria Bank Coral Reef. भारत के पहले घरेलू क्रूज का क्या नाम है? और इसका नाम है Angria. यह मुंबई और गोवा के बीच यात्रा करेगा। इसका नाम नौसेना एडमिरल कन्होजी अंग्रे और Angria Bank Coral Reef के नाम पर रखा गया है। Now let's discuss question number 3. Which company is leading the Forbes Global 2000 Best Employers list? And the company leading this list is Google's parent Alphabet. The only company from India under 25 is Larsen & Toubro at 22nd position. Forbes की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक नियोक्ता की सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? और इसमें है गूगल की पेरेंट अल्फाबेट। इनमें शीर्ष 25 में शामिल भारत की एकमात्र कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, जो कि 22वीं स्थान पर है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। हु विल हेड द पार्लियामेंट्री पैनल टू एग्जामिन फंक्शनिंग ऑफ ईपीएफओ, दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट विल बी हेडेड बाय किरीत सौम्य। ईपीएफओ की कार्यवाही के लिए गठित संसदीय पैनल का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? ये सौंपा गया है किरित सौम्या को। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज़ डेडिकेटेड नेशनल पुलिस मेमोरियल टू द नेशन इन न्यू दिल्ली, एंड इट हैज़ बीन डेडिकेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल देश को किसने समर्पित किया है? और ये समर्पित किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज़ लॉन्च द कैंपेन हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली, एंड इट हैज़ बीन लॉन्च बाय आवर एनवायरमेंट मिनिस्टर, दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन। हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हमारे देश के पर्यावरण मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी क्रॉसिंग ब्रिज ओपन्ड? इट हैज़ बीन ओपन्ड इन चाइना। स्पेंस 55 किलोमीटर फ्रॉम चाइनीज सिटी ऑफ जुहाई टू हांगकॉन्ग। इट विल बी इन यूज फॉर अबाउट 120 ईयर्स। कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। करेंसी इज रेनमिनबी, एंड द प्रेजिडेंट इज सी जिनपिंग, द प्राइम मिनिस्टर इज ली कीकियांग। विश्व का सबसे लंबा सागर क्रॉसिंग ब्रिज कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है
चीन में 55 किलोमीटर तक फैला यह ब्रिज चीन के जुहाई शहर को हांगकांग से जोड़ता है। ये लगभग 120 साल तक अपनी सेवाएं देगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग। चीन के प्रधानमंत्री ली कीकियांग। और ये है चीन का मैप, एंड दिस इज़ द मैप ऑफ चीन, चाइना इन द मैप ऑफ वर्ल्ड विच हैज़ बीन हाईलाइटेड विद द डार्क ग्रीन कलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच सिटी हैज़ होस्टेड द 4-डे इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल नेम्ड उद्भव उत्सव, एंड इट हैज़ बीन होस्टेड बाय ग्वालियर विच इज़ इन मध्य प्रदेश। कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ भोपाल। CM इज़ शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई? ये की गई ग्वालियर शहर के द्वारा जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। एंड ये है मध्य प्रदेश का नक्शा जो गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है भारत के नक्शे में। दिस इज द मैप ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द मैप ऑफ इंडिया विद डार्क रेड कलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया? द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज जुज्बा 3rd। इट विल बी कंडक्टेड इन पाकिस्तान। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। PM इज इमरान खान। प्रेजिडेंट इज आरिफ अलवी एंड द करेंसी इज पाकिस्तानी रूपी। रशिया कैपिटल इज मॉस्को। करेंसी इज रशियन रूबल। प्रेसिडेंट इज व्लादिमीर पुतिन। पाकिस्तान और रूस के बीच किए जा रहे सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? इसका नाम है जुज्बा 3rd। ये पाकिस्तान में किया जा रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रूपी। रशिया की राजधानी मॉस्को। रशिया की मुद्रा रशियन रूबल। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, वेयर हैज़ द PTM लॉन्च पे मोबाइल वॉलेट एंड इट हैज बीन लॉन्च इन जापान विद कोलेबरेशन इन कोलेबरेशन विद सॉफ्ट बैंक एंड याहू जापान कॉरपोरेशन। कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो। करेंसी इज जापानीज येन एंड द PM ऑफ जापान इज शिंजो एबे। PTM फाउंडर इज विजय शेखर शर्मा। PTM ने पे मोबाइल वॉलेट कहाँ लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ की मुद्रा येन। प्रधानमंत्री शिंजो एबे। ये पे मोबाइल वॉलेट सॉफ्ट बैंक और याहू जापान निगम के सहयोग से लॉन्च किया गया। PTM के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। एंड दिस इज़ द मैप ऑफ जापान इन द मैप ऑफ वर्ल्ड। ये जापान का नक्शा है विश्व के मानचित्र पर। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज 27th इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस बीइंग कंडक्टेड? इट वाज बीइंग कंडक्टेड इन गांधीनगर गुजरात। एंड यू नो कैपिटल ऑफ गुजरात इज ऑल्सो गांधीनगर। CM ऑफ गुजरात इज विजय रूपानी। गवर्नर इज ओम प्रकाश कोहली। 27वीं IAEA फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12, बट बिफोर क्वेश्चन नंबर 12 यू कैन सी द मैप ऑफ गुजरात इन द मैप ऑफ इंडिया। भारत के मानचित्र पर आप देख सकते हैं गुजरात का मानचित्र जो गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बैग्ड द UN इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड एंड इट हैज़ बीन बैग्ड बाय इन्वेस्ट इंडिया? CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया इज दीपक बुगला। इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन रिकग्निशन ऑफ इट्स एफर्ट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संवर्धन पुरस्कार किसने जीता है? और ये जीता है इन्वेस्ट इंडिया ने। इन्वेस्ट इंडिया के CEO हैं दीपक बागला। यह नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए
अपने प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द ओनली इंडियन फर्म अमंग टॉप 10 टू गेट फॉरेन लेबर सर्टिफिकेशन, एंड द ओनली इंडियन फर्म इज TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। शीर्ष 10 में भारत की कौन सी फर्म ने विदेशी श्रम प्रमाणन प्राप्त करने के लिए जगह बनाई है? और ये बनाई गई है हमारे देश की फर्म TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड क्रोएशिया, एंड देयर आर 2 एग्रीमेंट साइंड टू स्ट्रेंथन कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन। कैपिटल ऑफ क्रोएशिया इज जागरेब, करेंसी इज क्यूना, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज कोलिंडा ग्रबराक किटरोविक। भारत और क्रोएशिया के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? कुल 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, सांस्कृतिक और राजनीतिक समझौतों को मजबूत करने के लिए। क्रोएशिया की राजधानी जागरेब है, यहाँ की मुद्रा क्यूना है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कोलिंडा ग्रबराक किटरोविक हैं। नाउ दिस इज़ द मैप ऑफ क्रोएशिया इन द मैप ऑफ वर्ल्ड विच हैज़ बीन हाईलाइटेड विद अ डार्क ग्रीन कलर। ये विश्व के मानचित्र पर आप देख सकते हैं क्रोएशिया का मानचित्र, जो गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15, वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिया चाइना हाई लेवल मीटिंग ऑन बायलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन हेल्ड, इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। पहली भारत चीन उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह आयोजित की गई भारत के नई दिल्ली शहर में। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16, वेयर हैज़ द फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग अमंग इंडिया अफगानिस्तान एंड ईरान हेल्ड, इट वॉज हेल्ड इन तेहरान। तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान, एंड द करेंसी ऑफ ईरान इज ईरानियन रियाल, एंड प्रेजिडेंट इज हसन रूहानी। भारत अफगानिस्तान और ईरान के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह आयोजित की गई ईरान के तेहरान शहर में। तेहरान ईरान की राजधानी है, यहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17, बट बिफोर क्वेश्चन नंबर 17 यू कैन सी द मैप ऑफ ईरान इन द मैप ऑफ वर्ल्ड। आप देख सकते हैं गहरे हरे रंग से प्रदर्शित ईरान का मैप, जो विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड? इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर। द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन इज एंटोनियो गुटेरेस, हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। यूएन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1945 ऑन दिस डे, दैट इज 24 अक्टूबर। Today is also on 24th October, World Development Information Day is also celebrated. संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, What was the theme of United Nations Day concert conducted in New York? The theme of this day is Traditions of Peace and Nonviolence. New York में आयोजित 2018 की संयुक्त राष्ट्र दिवस कंसर्ट का विषय क्या था? इसका विषय था शांति और अहिंसा की परंपरा। Now question number 19, Who has been conferred with Seoul Peace Prize? And the person who has been conferred is none other than our Prime Minister Shri Narendra Modi. For his contribution to invest international cooperation and fostering global economic growth, that is Modinomics. Seoul Shanti Puraskar से किसे सम्मानित किया गया है? और जो व्यक्ति जिन्हें सम्मानित किया गया है वो हैं हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए Modinomics के लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। Now question number 20, which country has won the 777 million contract to supply
LRSAM air and missile defense systems. And the country which has won this is Israel Aerospace Industries. Capital of Israel is Jerusalem. Currency is New Shekel. And PM is Benjamin Netanyahu. किस देश की इंडस्ट्रीज ने LRSAM वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त 777 मिलियन डॉलर का अनुबंध प्राप्त किया है और ये प्राप्त किया गया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। एंड दिस इज द मैप ऑफ इजराइल इन द मैप ऑफ वर्ल्ड विच हैज बीन हाईलाइटेड विद द डार्क ग्रीन कलर। ये विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं इजराइल का मानचित्र जो गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोर्टल मैं नहीं हम लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड द थीम ऑफ दिस पोर्टल इज सेल्फ फॉर सोसाइटी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल और ऐप मैं नहीं हम का विषय क्या है, और इसका विषय है सेल्फ फॉर सोसाइटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर्ड कस्टमर सर्विस ऐप लॉन्च बाय PNB MetLife। एंड द नेम ऑफ दिस ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड इज खुशी। PNB MetLife द्वारा लॉन्च AI संचालित ऐप का क्या नाम है, इसका ऐप का नाम है खुशी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमैनिटी टेक 2018। इट विल बी ऑर्गेनाइज बाय आंध्र प्रदेश इन विशाखापट्टनम। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज अमरावती। CM इज N चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर इज ESL नरसिम्हन। कौन सा राज्य टेक 2018 का आयोजन करेगा, ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा अपने विशाखापट्टनम शहर में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, यहाँ के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और यहाँ के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। एंड दिस इज द मैप ऑफ आंध्र प्रदेश इन द मैप ऑफ इंडिया विच हैज बीन हाईलाइटेड विद द रेड कलर। ये आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में आंध्र प्रदेश का मानचित्र जो लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, What is the name of world's largest cargo drone successfully tested by China? And the name of this drone is Feihong 98, that is FH-98. It can carry a payload of 1500 kgs. चीन के द्वारा परीक्षित दुनिया के सबसे बड़े कार्गो ड्रोन को क्या नाम है, इसका नाम है Feihong 98 या FH-98। यह 1500 kg भार ले जा सकता है। Now question number 25, who has been appointed as new MD and CEO of Paytm Payment Banks, and the person who has been appointed is Satish Kumar Gupta. Paytm Payments Bank के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है Satish Kumar Gupta. Now question number 26, who has been appointed as first female president of Ethiopia. The lady who has been appointed is Sahil Work Zewde. Capital of Ethiopia is Addis Ababa and the currency is birr. Ethiopia की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? ये चुनी गई हैं सहले वर्क जेवड़े। Ethiopia की राजधानी Addis Ababa है और Ethiopia की मुद्रा है birr. This is the मैप ऑफ इथोपिया इन द मैप ऑफ वर्ल्ड विच हैज बीन हाईलाइटेड विद द डार्क ग्रीन कलर। आप देख सकते हैं विश्व के मानचित्र पर इथोपिया का मानचित्र जो गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज रिसीव्ड द INSA इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी अवार्ड 2018 एंड इट हैज बीन अवार्डेड टू प्रोफेसर आशीष मुखर्जी। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी पुरस्कार 2018 किसने प्राप्त किया है, ये प्राप्त किया गया है प्रोफेसर आशीष मुखर्जी के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज बीन स्वॉर्न्ड इन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। द पर्सन हु हैज बीन स्वॉर्न्ड इन इज महिंदा राजपक्षा। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, देयर आर टू कैपिटल्स ऑफ श्रीलंका, वन इज कोलंबो एंड अनदर वन इज जयवर्धनापुरा कोट्टे। कोलंबो इज कमर्शियल कैपिटल एंड द
Jayawardenapura Kotte is the administrative capital. Currency of Sri Lanka is Sri Lankan rupee. And the president of Sri Lanka is Maithripala Sirisena. Sri Lanka ke naye pradhanmantri kaun niyukt kiye gaye hain? Aur ye niyukt kiye gaye hain Mahinda Rajapaksha. Sri Lanka ki do rajdhaniyan hain, ek Colombo hai, dusri hai Jayawardenapura Kotte. Sri Lanka ki mudra hai Sri Lankan rupee aur yahan ke rashtrapati hain Maithripala Sirisena. This is the map of Sri Lanka which has been highlighted with the dark green color in the map of world. ये Sri Lanka का आप मानचित्र देख सकते हैं विश्व के मानचित्र में जो गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है. ये बहुत ही एक छोटा सा द्वीपीय देश है. Now question number 29. Who has won the World Agriculture Prize for 2018? And it has been won by Professor M.S. Swaminathan, the chief architect of India's Green Revolution. विश्व कृषि पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है और व्यक्ति जिन्हें सम्मानित किया गया है वो है प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन जो भारत की हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. हु हैज बैक द वर्ल्ड हेल्थ समिट स्टार्टअप अवार्ड 2018 एंड इट हैज बीन बैक्ड बाय रूपम मिश शर्मा. विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन स्टार्टअप पुरस्कार 2018 किसने हासिल किया है? ये किया गया है रूपम शर्मा के द्वारा. नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स. क्वेश्चन नंबर 31. हु हैज वोन द डेनिश डेनमार्क ओपन वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरी एंड इन मेन्स सिंगल्स कैटेगरी. एंड इन द वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरी इट हैज बीन वोन बाय ताई तसू यिंग फ्रॉम चाइनीज ताइपी एंड शी हैज वोन दिस बाय बीटिंग साइना नेहवाल फ्रॉम इंडिया. Men's singles category has been won by Kento Momoto of Japan. Mahila va purush ekal varg mein Denmark Open kisne jeeta hai? Mahila varg mein jeeta gaya hai Tai Tsung Ying Chinese Taipei ki jinhone Bharatiya mool ki Saina Nehwal ko haraya. Purush varg mein jeeta gaya Kento Momoto Japan jo ki Japan ke hain inke dwara jeeta gaya. Now question number 32. Which former Indian fast bowler has retired from all forms of international cricket? And the Indian cricketer who has retired is Praveen Kumar. भारत के किस पूर्व गेंदबाज तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी रूपों को अलविदा कह दिया है? ये हैं प्रवीण कुमार. Now question number 33. Who has won the silver medal at World Wrestling Championship? And this medal has been won by बजरंग पूनिया. विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किस पहलवान ने जीता है? और ये जीता गया है बजरंग पूनिया के द्वारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. हु हैज लिफ्टेड द विजय हजारे ट्रॉफी एंड दिस ट्रॉफी हैज बीन लिफ्टेड बाय मुंबई फॉर द थर्ड टाइम बाय डिफीटिंग दिल्ली. विजय हजारे कप पर कब्जा किसने किया है? इस पर किया गया है मुंबई के द्वारा जो इस पे तीसरी बार कब्जा कर चुकी है. इन्होंने फाइनल में दिल्ली को हराया. क्वेश्चन नंबर 35. हु हैज बिकम द फास्टेस्ट टू रीच 10,000 रन्स इन हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट एंड द पर्सन हु हैज अचीव्ड दिस माइलस्टोन इज विराट कोहली. अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? और ये बन गए हैं हमारे देश के विराट कोहली. That's all in this current affairs show. Thanks for watching it. Please do share and subscribe our channel. That is Single and Unique Platform. Thank you. Dhanyavaad.